हेलो स्टूडेंट्स, मैरीगोल्ड बुक फाइव से माय एल्डर ब्रदर जो कहानी हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो पहले रीडिंग इज फन से क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द थिंग्स That Munna liked to do. What are the things? कौन सी ऐसी बातें थी, कौन सी ऐसे काम थे that जो Munna liked to do करना चाहता था। इसका आंसर हम लिखेंगे, मुन्ना लाइक्ड टू फ्लाई काइट्स एंड रन टू द फील्ड्स। मुन्ना लाइक्ड टू फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाना पसंद था, एंड रन टू द फील्ड्स, और खेतों में दौड़ना पसंद था। इसके क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया ऑल डे दिन भर, डिड डू करते थे, भैया दिन भर क्या करते थे। आंसर है इसका, भैया स्पेंड्स बिताते थे आवर्स घंटों टुगेदर एक साथ विथ बुक्स किताबों के साथ, भैया किताबों के साथ घंटों बिताते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई WHY वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी, मुन्ना हैप्पी नहीं था विद से द TIME TABLE टाइम टेबल समय सारणी दैट जो भैया ने मेड बनाई फॉर के लिए हिम उसके, जो समय सारणी भैया ने उसके लिए बनाई मुन्ना के लिए बनाई उससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था। आंसर है, मुन्ना वॉज Not happy, मुन्ना खुश नहीं था because क्योंकि timetable has
no time to play in it. टाइम टेबल में खेलने के लिए, प्ले करने के लिए कोई समय नहीं था. तो मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी, मुन्ना खुश नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट, मुन्ना फेल्ट, मुन्ना को लगा, हाउ कैसा, व्हेन जब हिज उसका ब्रदर, ब्रदर यहाँ पर एल्डर ब्रदर, बड़ा बड़े भाई साहब, वॉज थे सो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट माने सख्त, विद हिम, बहुत रूड थे उसके साथ, बहुत सख्ती से पेश आते थे, तो कैसा लगा होगा मुन्ना को. एक पार्ट है क्वेश्चन का, और दूसरा इसी में, वाई, क्यों, वॉज भैया, भैया क्यों थे सो स्ट्रिक्ट, इतने सख्त, अनुशासन प्रिय, विद हिम उसके साथ, भैया उसके साथ इतने सख्त या सख्ती से क्यों पेश आते थे. इसका आंसर है, तो भैया को कैसा लगता था जब उसके छोटे भैया को कैसा लगता था जब उसके बड़े भैया, बड़े भाई साहब, एल्डर ब्रदर सख्ती से पेश आते थे, तो वो बहुत अपसेट, उदास, दुखी महसूस करता था. तो हम करेंगे, मुन्ना फेल्ट वेरी अपसेट, बहुत ही उदास या दुखी महसूस करता था. और दूसरा पार्ट हमारा, वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया उसके साथ इतने क्यों सख्ती से पेश आते थे. भैया वाज सो स्ट्रिक्ट बिकॉज ही वाज 5 years older than Munna and was a responsible brother, और एक responsible brother यानी कि जिम्मेदार भाई थे. क्वेश्चन नंबर 5, ये है हुज, हुज मीन्स किसका, कैरेक्टर, कैरेक्टर माने चरित्र या पात्र, डू यू लाइक, पसंद है, आपको पसंद है मोर, ज्यादा, किसमें से, मुन्ना और, मुन्ना और माने या भैया, मुन्ना और, मुन्ना या भैया में से किसका चरित्र, किरदार आपको ज्यादा पसंद है. आंसर है, I like Munna,
मुन्नास मुन्ना का कैरेक्टर मोर, मुझे मुन्ना का पात्र ज्यादा पसंद है। हो सकता है आपका भैया का ज्यादा लग रहा हो, तो आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर। तो दोनों आंसर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेट्स टॉक, अब बातचीत करते हैं। वन, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है अ टाइम टेबल एट स्कूल, स्कूल में टाइम टेबल यानी कि समय सारणी स्कूल में है, ये तो हर स्कूल में होती है। तो आप लिखेंगे यस आई हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। फिर इसमें पूछा गया हाउ मैनी पीरियड्स, कितने वादन आर देयर होते हैं फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, नीचे की दिए गए विषयों के लिए एंड एक्टिविटीज गतिविधियों के लिए इन वन वीक, एक हफ्ते में नीचे दिए गए विषयों के लिए कितने वादन होते हैं और कितनी गतिविधियों के लिए वादन होते हैं। ये अब पहले इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी में अब हम पूरे हफ्ते में 6 दिन का हमारा सप्ताह चलता है, तो 6 दिन में 6 के 6 दिन अंग्रेजी चलता है, तो 6 पीरियड्स हो गए। हिंदी के लिए भी 6 हो गए, मैथ के लिए भी 6 हो गए, साइंस के लिए भी 6 हो गए, सोशल साइंस के लिए भी 6 हो गए। अब गेम्स हमारा 3 दिन चलता है, 3 दिन आर्ट ड्राइंग चलती है, क्राफ्ट भी 3 दिन चलता है, कहीं कहीं पर म्यूजिक 2 दिन चलता है, कहीं 3 दिन चलता है, हमारे यहाँ डांस का भी 2 या 3 दिन का होता है। तो और कोई एक्टिविटी होती है तो उसका हमने यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इस प्रकार से समय का विभाजन किया जाता है, उसी समय विभाजन को हम टाइम टेबल कहते हैं, जिसके अनुसार हमें अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वादन यानी कि पीरियड्स दिए गए रहते हैं। फिर उसके बाद नाउ मेक ए टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ अपने लिए, स्वयं के लिए, इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम, जिसमें आपका इंक्लूडिंग सम्मिलित हो स्टडी टाइम पढ़ाई का समय भी और प्ले टाइम यानी कि खेलने का समय भी। तो इस तरह से आपको ये जो टाइम टेबल बनाना है, जैसे भैया ने बनाया था किसके लिए, मुन्ना के लिए बनाया था, उसी तरह से आपने ये बनाना है। ये देखिए वहां पर 6 AM 6 बजे सवेरे वॉश योर हैंड्स, उठना था, हाथ धोने थे, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई के लिए बैठ जाना था। 6 to 8 AM सवेरे 6 से 8 बजे तक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, 8 to 9 AM 8 से 9 बजे मैथ्स गणित, 9 to 9:30 AM 9 से 9:30 बजे तक हिस्ट्री यानी कि इतिहास, 3:30 to 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल से 5 to 6 ग्रामर व्याकरण, PM ये शाम का समय आ गया, हाफ एन आवर फॉर स्टॉलिंग आधे घंटे का थोड़ा सा रेस्ट, 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन यानी कि यहां पर आपने कंपोजिशन करना है, कुछ लिखना है ऐसे पोयम या लिखने का काम जो है अपने आप लिखने का काम, देन डिनर उसके बाद रात का भोजन, शाम का भोजन, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, और 9 to 10 9 से 10 बजे तक का हो गया हिंदी का, और 10 to 11 PM जो भैया ने तो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया था, देखिए रात को 11 बजे तक अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, जो सब्जेक्ट छूट गए उनके अलावा फिर बेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें हमारा भैया ने तो खेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया था, इसमें आपने अपना खेलने के लिए भी समय निश्चित करना है। अब है क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन। मतलब रचनात्मकता का क्या होता है, जब हम कुछ नई चीजें करने के लिए या सीखने के लिए काम करते हैं। तो द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर, ये लेटर का जो पत्र चिट्ठी जो हम भेजते हैं उसका प्रारूप कैसे लिखा जाता है, इज गिवन टू यू, आपको दिया गया है।
कैसे पत्र लेखन होता है? लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। लेटर्स टू फ्रेंड दोस्तों के लिए या क्लोज फैमिली जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं इन द सेम वे वैसे ही लिखे जाते हैं एज यू स्पीक टू देम, जैसे आप उनसे बातचीत करते हैं। जैसे हम आमतौर पर आपस में बातें करते हैं तो वैसे ही लिखे भी जाते हैं पत्र। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए ये फॉर्मेट है, ये प्रारूप है। राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता यहां पर दिया गया है, कृष्णा बॉयज हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता। और फिर उसके बाद डेट डाली जाती है, देखिए ये सीध में आ रहा है, डेट है 10th July 2000। ग्रीटिंग्स अभिवादन, यहां पर माय डियर माँ, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, ये सब ग्रीटिंग आते हैं। फिर उसके बाद ये आती है परिचय, जिसे कहते हैं हम, दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी के बाद फर्स्ट लेटर, पहला लेटर है मेरा। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस, हमारी क्लासेस शुरू हो गई है द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, जैसे ही हम छात्रावास में पहुंचे उसके बाद हमारी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं यहां पर अच्छे से हूं। इंट्रोडक्शन हो गया। फिर वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग, मिट्टी के कार्य के लिए, एंड पॉटरी, बर्तन बनाने का जो काम है जिसे हम मिट्टी का कार्य या कार्यानुभव कहते हैं, उसके लिए वी हैव ए न्यू टीचर, हमारे पास एक नया टीचर आ गया है। सी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, एंड वेजिटेबल्स विद क्ले, यानी कि मिट्टी के साथ कैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स बनाए जाते हैं वो हमें बताते हैं, बताती हैं। वी देन पेंट देम, तब हम उस पर पेंट करते हैं, दे लुक सो रियल, वो तो बहुत ही वास्तविक लगते हैं। ये बॉडी है इसका। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त, हमारा इंटर हाउस जो हमारे सदन बने रहते हैं उन सदनों के बीच में कविता का पाठ करने का एक कंपटीशन है अगस्त में। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं बहुत उत्सुक हूं इसके लिए। इट इज ए लॉन्ग पोएम, ये बहुत लंबी पोएम है, बट वी लर्न इट टूगेदर विद अवर टीचर, लेकिन हम ये अपने टीचर के साथ लर्न कर रहे हैं। इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ स्कूल में वापस आना बहुत अच्छा लगता है। आई रिमेम्बर यू एंड बाबा ए लॉट, घर में मुझे आपकी और बाबा की याद आती है, मुझे अच्छी तरह याद है। गिव माई लव टू ग्रांड मदर एंड ग्रांड फादर, ग्रांड मदर को और ग्रांड फादर को, दादा दादी को मेरा प्यार देना। तो ये एंडिंग हो गई, ये एंडिंग पोर्शन यानी कि अंत का हो गया, ये बीच का भाग हो गया, ये परिचय हो गया, ये ग्रीटिंग हो गई यानी कि अभिवादन हो गया, डेट तारीख, राइटर का एड्रेस, राइटर की का पता, और फिर क्लोजिंग में डू राइट पैक सून, जल्दी फिर लिखेंगे, ये क्लोजिंग में आता है आपका, योर लविंग सन, आपका प्रिय बेटा प्रताप। तो ये जो है आपके एक लेटर का फॉर्मेट तैयार है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये प्रश्न है उनके उत्तर, आपने लेटर पढ़ा था उसके हिसाब से उत्तर देने हैं। फर्स्ट है हु हैज रिटन द लेटर, हु किसने हैज रिटन द लेटर, पत्र लिखा है, किसने पत्र लिखा है पता है हमें, प्रताप ने लिखा है तो यहाँ पर हम प्रताप लिख देंगे। और सेकेंड है टू हुम, किसे हैज द लेटर बीन रिटन, पत्र लिखा गया है, किसको लिखा गया है पत्र, पत्र जिसको संबोधित किया गया है, माय डियर माँ तो मदर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मदर, MOTHER। फिर तीसरा वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, राइटर ऑफ द लेटर, पत्र लिखने वाला यानी कि पत्र का लेखक कहाँ है, तो एड्रेस नाम पता चल गया, पत्र का लेखक है
कहाँ है? कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। हम यहाँ पर सीधे कोलकाता भी लिख सकते हैं या पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का क्या नाम है? ये है कृष्णाज बॉयज हॉस्टल। ये यहाँ पर कृष्णाज बॉयज हॉस्टल, कृष्णाज बॉयज हॉस्टल। और ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटन, ऑन विच किस डेट तारीख पर दिस लेटर रिटन, यह पत्र लिखा गया है। यहां पर बताना है कि कौन सी डेट पर, यह देखिए सब दिया गया है। 10th July 2000 यानी कि डेट है इसकी 10th July 2000, यहां आपने डेट डाल दी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल। अब आपने एक पत्र लिखना है कि दूसरे शहर में रहते हुए अपने फ्रेंड को आपने पत्र लिखना है, ये बताते हुए कि क्या स्कूल में क्या गतिविधियां चल रही हैं और क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबव लेटर, जैसे यहां पर आपने लेटर लिखा था वैसे ही पैटर्न लिखना है। तो सबसे पहले जैसे राइटर्स एड्रेस, यहां पर राइटर्स एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैं अपना एड्रेस लिखूं तो विलेज कनलगांव वार्ड नंबर 4 चंपावत, ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें आ गया डेट, यहां पर हम डेट लिख देंगे। डेट आज की तारीख आप लिख सकते हैं, डेट का फॉर्मेट आप 10th July लिख सकते हैं या सीधे सीधे 10/6/2020 ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ग्रीटिंग कर रहे हैं या अभिवादन कर रहे हैं, तो जिसको लिखा जाना है फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। अब ये लेटर हमने इस तरह से लिखा, सबसे पहले हमें पता है कि एड्रेस लिखना है, तो हमने एक एड्रेस बनाया, महर बॉयज हॉस्टल सनशाइन पब्लिक स्कूल चंपावत। और इसमें फिर डेट आती है, तो डेट 12th August 2020 की डाल दी हमने। अब ये हमने किसको एड्रेस करना है, किसको संबंधित कर, दोस्त को लिखना था, तो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। अब इसमें जो पहला इंट्रोडक्शन है उसमें आफ्टर विंटर वैकेशंस, सर्दियों की छुट्टी के बाद, वी हैव रीच्ड एट आवर स्कूल, हम अपने स्कूल पहुंच गए हैं। द क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, कक्षाएं शुरू हो गई हैं, चालू हो गई हैं। आई एम फाइन एयर, मैं बहुत ठीक हूँ यहाँ पर। द एटमोसफियर ऑफ स्कूल इज वेरी गुड, स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है। आई हैव मेड फ्रेंडशिप विथ टू मोर स्टूडेंट्स, दो और स्टूडेंट्स के साथ मैंने दोस्ती कर ली है, नेम्ड विकास एंड दीपू, इनका नाम विकास और दीपू है। अब यहाँ पर जो हमारा था मेन बॉडी, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट ऑफ स्पोर्ट्स, खेल का की एक प्रतियोगिता हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है। आई एम ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन फुटबॉल एंड हाई जम्प, तो दो खेलों में मैं, दो गेम्स में, फुटबॉल में और हाई जम्प में मैं भाग लेने वाला हूँ। आई एम क्वाइट श्योर, मैं एकदम निश्चिंत हूँ, दैट वी एज ए टीम विन द मैच, कि हम एक टीम के तौर पर मैच जीतेंगे। तो ये हो गया, हमने जो यहाँ पर कहा गया था लेटर में कि इवेंट डालनी है। अब इसके बाद जो है इसी बॉडी में, द स्कूल हैज ट्रेमेंडस एफर्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि अतिरिक्त जो खेल पढ़ाई के अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं, पाठ्येतर गतिविधियां जिसे कहते हैं, उनमें बहुत अच्छा एफर्ट्स हमारा विद्यालय कर रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग क्वाइट वेल, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एंडिंग के बाद का जो पोर्शन आता है, जो क्लोजिंग में हम डालते हैं, डू राइट बैक सून, जल्दी फिर दोबारा लिखेंगे, योर डियर फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त मोहित। तो यहाँ पर मोहित अपना नाम लिख दिया कि हम मोहित नाम से इसको लेटर लिख रहे हैं, तो राइटर हो गया मोहित। तो ये पूरा आपका एक लेटर का फॉर्मेट तैयार है।